एवरीवन, 22 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग पहले पहले पॉइंट को देख लेते हैं, जो है क्या काकरा पार परमाणु बिजली संयंत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। काकरा पार बिजली परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत हो चुकी है। कौन से रिएक्टर की शुरुआत हो चुकी है? तीसरे रिएक्टर KAPP3 की शुरुआत हो चुकी है। इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं। ऊर्जा संयंत्र के इस रिएक्टर की क्षमता 700 मेगावाट की है और यह गुजरात में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है। तो यह ध्यान में रखने वाला है कि ऊर्जा संयंत्र का जो यह रिएक्टर है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 700 मेगावाट। और कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या, देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है। चलिए सेकेंड पॉइंट को आते हैं, देखते हैं। KAPP3 Mark IV टाइप कैटेगरी का उपकरण है और ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स डिजाइन का बेहतरीन फॉर्मूला है, बेहतरीन नमूना है। चलिए सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन KAPS गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो यह पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे स्थित है या कहां पे स्थित है। तो आपको यह दोनों ही पॉइंट ध्यान में रखना होगा, गुजरात के सूरत में और किस नदी के किनारे, तो ताप्ती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत ने त्रिस्तरीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का विकास किया है। इसने क्लोज्ड साइकिल पर आधारित कार्यक्रम विकसित किया है, जहां एक चरण में इस्तेमाल हुए ईंधन को, ठीक है, तो आपको देखना है, फिर से अगले चरण के लिए बनाया जाता है। तो यह ध्यान में रखना है कि कितने स्तर का है यह, तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिस्तरीय प्रोग्राम है, ठीक है। इसने क्लोज साइकिल पर आधारित कार्यक्रम विकसित किया। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस चीज़ पर आधारित कार्यक्रम है, तो क्लोज साइकिल पर आधारित कार्यक्रम है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। KAPP3 बेहतरीन सेफ्टी फीचर से लैस है। यह रिएक्टर स्टीम जनरेटर से लैस है। KAPP3 आने के बाद भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिनके पास न्यूक्लियर पावर तकनीक है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत भी उन देशों में सम्मिलित हो गया है जिसके पास न्यूक्लियर पावर टेक्निक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत ड्रोन रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने भारतीय सेना को शक्तिशाली ड्रोन की आपूर्ति की है, ठीक है। DRDO ने क्या किया है, भारतीय सेना को शक्तिशाली ड्रोन दिया है। प्रमुख बिंदु पे देखते हैं। स्वदेशी निर्मित इस ड्रोन का नाम क्या दे दिया गया है, तो भारत दिया गया है। यह ध्यान में रखना है, यह ड्रोन जो DRDO ने दिया है, यह क्या नाम रखा गया है इसका, तो भारत नाम रखा गया है। यह ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत चीन तनाव के बीच इस ड्रोन को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ही निगरानी के लिए रखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ड्रोन ऐसे बनाया गया है कि इसे रडार में पकड़ा जाना संभव है, मतलब इसको रडार में पकड़ा नहीं जा सकता। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह जो ड्रोन बना है, भारत नाम का ड्रोन है, ठीक है, और यह जो है DRDO ने सेना को समर्पित की सेना को दिया है। इस ड्रोन को रडार की पकड़ में लाना असंभव है, रडार की पकड़ में लाना संभव नहीं है। तो ड्रोन की क्षमता अत्यंत ठंडे मौसम और रात के अंधेरे में भी निगरानी करने की है। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह पूरा मिशन रियल टाइम वीडियो भेजता है। भारत ड्रोन DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है कि यह कहां पर विकसित किया गया है, तो DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। भारत सीरीज के ड्रोन दुनिया का सबसे चालक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्के सर्विलांस ड्रोनों में से एक है। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी कारण से यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। GFATM एड्स तपेदिक मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक कोष GFATM एक ग्लोबल फंड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि GFATM क्या है, एक ग्लोबल फंड है कौन कौन से इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो एड्स तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए, ठीक है। और जो यह क्या करता है, यह फंड क्या करता है, जो सरकारों को, सरकारों, नागरिक समाज
निजी क्षेत्र तथा बीमारियों से प्रभावित लोगों के मध्य एक साझेदारी है। प्रमुख बिंदु पे आते हैं, GFTAM का सचिवालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। यह ध्यान में रखना है, GFTAM का सचिवालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह किस लिए है? तो आपको ध्यान में होगा, एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक कोष है, एक ग्लोबल फंड है, ठीक है। वर्ष 2001 में हुए अपने शिखर सम्मेलन में G8 समूह ने औपचारिक रूप से ग्लोबल फंड के निर्माण की आवश्यकता का समर्थन किया था। वर्ष 2002 में इस फंड की स्थापना हुई। तो यह पूछा जा सकता है कि इस फंड की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 2002 में। और इसका आवश्यकता का समर्थन कब हुआ था, इसके बारे में चर्चा कब हुई थी? तो वर्ष 2001 में शिखर सम्मेलन में G8 समूह के द्वारा किया गया था। GFTAM का गठन स्विस कानून के तहत एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था के रूप में किया गया था, और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसके प्रबंधन का दायित्व तो सौंपा गया था। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। GFTAM का गठन जो है किस कानून के तहत है? तो ऑब्वियस सी बात है, स्विट्जरलैंड के कानून, स्विस कानून के तहत होगा। और यह क्या है? स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था के रूप में किया गया था, और विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या दिया गया था? इसके प्रबंधन का दायित्व तो दिया गया था। ग्लोबल फंड में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना परसेंट है? तो 95% है। यह पॉइंट ध्यान में रखना है, आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आंसर लिखेंगे तो वहां पे आपको यह पॉइंट में वैल्यू एडिशन मटेरियल के रूप में काम कर सकता है। और यह क्या है? वित्त पोषण तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुर्मा ऐप, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN द्वारा कुर्मा मोबाइल आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु पे आते हैं, यह ऐप उपयोगकर्ताओं को देश भर में कछुओं की प्रजातियों के लिए, ठीक है, कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस प्रदान करता है। तो यह ध्यान में रखना है कि कुर्मा ऐप किससे रिलेटेड है? तो कछुओं की प्रजाति की पहचान करने से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कि यह एक डिजिटल डेटाबेस है, और इसमें भारत के ताजे जल के कछुओं की 29 प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो यह भी ध्यान में रखना है, कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो 29 प्रजातियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसमें कछुओं की पहचान, वितरण, स्थानीय नाम एवं खतरों के बारे में जानकारी दी गई है। ट्रैफिक के रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष लगभग 11,000 कछुओं का अवैध शिकार और तस्करी होती है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैफिक के रिपोर्ट के अनुसार क्या है, हर वर्ष लगभग 11,000 कछुओं का अवैध शिकार और तस्करी होती है। इस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF, केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा संस्था से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान या अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। प्रमुख बिंदु पे आते हैं, इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ठीक है। यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, NDRF को वित्त प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क लगाया जाता है, और आवश्यक होने पर अतिरिक्त बजटीय सहायता भी प्रदान की जाती है। चलिए, ये थे आज के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट मुद्दे देख लेते हैं। दो मुद्दे हैं जो कला और संस्कृति से रिलेटेड है। इस वर्ष COVID-19 महामारी के चलते प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ मंदिर एक गुफानुमा हिंदू मंदिर है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। यह ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह मंदिर जो है 18 महाशक्ति पीठों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अर्थव्यवस्था, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। इसे ई मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।
चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। भारत और ब्रिटेन के संबंधों की प्रगाढ़ता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। COVID-19 के दौरान स्वास्थ्य संबंधी भागीदारी की व्याख्या करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में कछुए को के अवैध शिकार और तस्करी को रोकने में कौन कौन से प्रमुख कदम उठाने की जरूरत है? क्या डिजिटल तकनीक से मदद मिल सकती है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका का उल्लेख करें और इसके निर्माण, रख रखाव तथा उड़ान में प्रमुख दिशा निर्देशों का जिक्र करें। तो चलिए ये थे आज के करंट अफेयर्स, जो कि आपको 22 जुलाई के करंट अफेयर्स थे। इसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने करंट अफेयर्स थे उन सभी को देखा, प्लस आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, दो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनको भी देखा, और इसके साथ साथ हम लोगों ने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसको भी देखा। चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग आएंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू।